नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता। अमेरिका के मिसिसिपी में एक संदिग्ध शख्स ने शुक्रवार की रात टेट काउंटी इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल अमेरिका के मिसिसिपी के टेट काउंटी में मास शूटिंग की घटना सामने आई है। यहां अरकबूतला काउंटी में एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। संदिग्ध युवक ने पहले एक स्टोर और फिर अन्य जगहों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोलीबारी की इस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मिसिसिपी के गवर्नर टेट रैबिस ने ट्वीट कर लिखा, फायरिंग की घटना के लिए जिम्मेदार शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। हम मानते हैं कि उसने अकेले घटना को अंजाम दिया है। उसका मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम स्थिति की जांच करना जारी रखेंगे। कृपया इस दुखद हिस्सा के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। मिसिसिपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस जांच में सहायता करने के लिए कहा गया है। तमाम प्रयासों के बाद भी अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 23 जनवरी को भी अमेरिका में 12 घंटे के भीतर फायरिंग की 3 घटनाएं सामने आई थी। इनमें 2 छात्रों समेत 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 24 मई 2022 को भी अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में हमलावर ने बच्चों को अपना निशाना बनाया था, जिसमें 18 बच्चों समेत कुल 21 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित कर इस घटना को नरसंहार बताया। 23 नवंबर 2022 को अमेरिका के एक शख्स ने वर्जीनिया में वॉलमार्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस घटना में लगभग 10 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका में इस तरह की घटनाएं क्यों आ रही हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका में गन कल्चर का होना। दरअसल अमेरिका में गन रखने का कल्चर 230 साल पुराना है। अमेरिका में इस कल्चर की शुरुआत तब हुई थी जब वहां अंग्रेजों का शासन था। उस समय वहां अस्थाई सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, इसलिए लोगों को अपनी और परिवार की सुरक्षा की चिंता होती थी। 1791 में संविधान के 2 संशोधन के तहत अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया गया। अमेरिका का ये कानून आज भी जारी है। अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश है जहां एक बड़ी आबादी के पास अपनी बंदूक है। अमेरिका में गन लॉबी काफी ज्यादा मजबूत है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 46% सिविलियंस के पास बंदूक अकेले सिर्फ अमेरिका के पास है। नागरिकों के बंदूक रखने के मामले में अमेरिका दुनिया के सबसे आगे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मौजूदा कुल 85.7 करोड़ सिविलियंस गन यानी बंदूक में से अकेले अमेरिका में ही 39.3 करोड़ सिविलियंस बंदूक मौजूद है। दुनिया की आबादी में अमेरिका का हिस्सा 5% है, लेकिन दुनिया की कुल सिविलियंस गन में से 46% अकेले अमेरिका में है। आपके इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।